हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है? तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रवा मसाला डोसा की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी सूजी की ली है और एक कटोरी दही की ली है। साथ ही कुछ कड़ी पत्ता मिलाएंगे, सरसों के दाने, नमक और लाल मिर्च मिला के सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और एक लिक्विड फॉर्म का बैटर रेडी करेंगे। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब डोसे का मसाला रेडी करते हैं। एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल लें और उसमें तड़के के लिए सरसों, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल के सौटे कर लें। अब उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और उन्हें भी थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, अब इसमें मसाले मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मसालों को भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 2 टमाटर को ग्राइंड करके मिलाएंगे और टमाटरों को तब तक भूनना है जब तक कि इनका कच्चापन चला ना जाए। टमाटर यहाँ बढ़िया से भुन चुके हैं। अब इसमें उबले हुए आलूओं को मैश करके मिला लें। मैंने यहाँ पे 3 बड़े आलूओं को इस्तेमाल किया है। आलू अच्छे से भुन जाएं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और अब इस मसाले को तकरीबन 5 से 7 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर पका लें। हमारा डोसे का मसाला रेडी है। इसे अब हम साइड पे रखेंगे और अब अपना डोसा प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। सूजी के बैटर को करछी की मदद से इस तरह से तवे पर फैलाते हुए डालें। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसका टेक्सचर चेंज होने लगे तो इस पर 1 चम्मच तेल डालें और इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। डोसा एक साइड से पक गया है और तवे को भी बड़े आराम से छोड़ दिया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। दूसरी साइड से भी इसको 1 मिनट के लिए पकाकर दोबारा साइड चेंज करेंगे और आलू का मिक्सचर डाल के इसे फोल्ड करेंगे। तो लीजिए, डिलीशियस क्रिस्पी रवा मसाला डोसा रेडी है। इंजॉय करिए नारियल की चटनी के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।